अस्सलाम वालेकुम। नए वीडियो में तमाम मेरे व्यूज देखने वाला, सब्सक्राइब करने वाला सब तमाम भाई बहनों को मेरे तरफ से सलाम और आदाब। मैं हूं अहमद हुसैन तुर्की। इंशाल्लाह हम आपको एक नई वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से और आप सब से आप लोग को बहुत पसंद आएंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड तक देखेगा। एक नई वीडियो आप लोग को इंशाल्लाह कोशिश करते हैं एक अच्छा वीडियो दिखाने के। ये हम अभी बकरा मंडी से हम बकरे लेकर आ चुका है। एक ये बकरा, माशाल्लाह माशाल्लाह परवरदिगार। और इस फरीजे से इंशाल्लाह हम मेरा फातिमा का इस फरीजे से भी हम आज़ाद हो जाएगा। अल्लाह इनकी नसीब अच्छा करे परवरदिगार। बकरे बेचारा बहुत भूखे थे यार, अभी देखो ये खाने में मसरूफ है। बेचारा घास इस तरह खा रहा है जैसे इनको दाल फ्राई मिलो जैसे। भाई आप क्या खा रहे हो? बिरयानी खा रहा है हाँ या कढ़ाई खा रहा है? हाँ खा ले बेटा खा ले, 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 ले। खा ले शावा। بسم الله الرحمن الرحيم गर्दन पे आ जाऊं मैं चलो चलो इसको थोड़ा सीधा करके गर्दन सीधी करनी पड़ेगी ना। नहीं हो पाएगा ऐसे, छुरी इधर उधर होती रहेगी। ये मौलाना साहब मौलाना असगर लोधियान हाँ मीरा फातिमा बिन ज़ुल्फ़िकार अली لحمها بلحمها ودمها بدمها وعزمها بعزمها وشعرها بشعرها وجلدها بجلدها اللهم اجعلنا الله قبول کرے آل محمد عليه। ये मोहल्ले का जो तकड़ा शेर माना जाता है ये तो बच्चा पकड़ने के लिए जो शेरों के नाम से मशहूर ताकतवर माना जाता है सिंधी और बल्तियों में। माशाल्लाह कराची का नामी ग्रामी कसाई हमने बुलाया है। नामी ग्रामी एक स्कर्दू बतिस्तान होल्डिंग से ताल्लुक रखता है लाल शर्ट वाला और दूसरा बिलारगू से ताल्लुक रखते हैं। ये इनके ख़ानदानी काम है, कोई नया नहीं है। आप लोग ये नहीं समझना कि कोई नया कसाई है, ये लोग ख़ानदानी। नहीं, नहीं। और ये हमने सिंध से लाया है, ये सिर्फ डायरेक्शन दे रहे कि आपने इस तरह करना है इस तरह करना है बोल के ये हम ये डायरेक्शन दे रहे खाली। ये जनाब और खाल उतारने का माहिर असगर सवाले साहब खाल उतारते हैं। ये काफी लोगों का खाल उतारते हैं। शहीदों में नाम लिखवाने हैं ये इसी हाथ रख के देख रहा हूँ। उधर हाथ नहीं रखे वो तो पकड़ेगा, आप हल्का सा इधर से यूं पकड़ना है ठीक है। समझा ये पकड़ थोड़ा थोड़ा पीछे ले जाओ, थोड़ा सा हल्का सा और पीछे ले जाओ, थोड़ा पीछे खींचे और खींचे। ये लो जी पकाई का जो है वो रस्म भी अब शुरू होने वाला है। बेहतरीन पकवान जनाब हाजी मुसा साहब, 5-6 बच्चों को शादी कर दिया, उनका भी इन्हीं ने माशाल्लाह खाना बनाया है। हाजी साहब कितना एक्सपीरियंस है आपका ये खाना बनाने का माशाल्लाह। खानदानी काम है इन लोगों का और इनका उम्र तकरीबन गुजर बाप दादा पर दादा से चले आ रहे हैं तो ख़ास तौर पे इन्होंने हालांकि इनका आज ड्यूटी भी था लेकिन उसके बावजूद बेचारा अपना सारे मसरूफियात छोड़कर। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पन साहब छोड़ सर का। आज ये इनका हैंड राइट अहमद अली अभी ये सीख रहे हैं, अभी अब इनको मौका मिला है तो अभी सीख रहे हैं। बकाले में खुद मैं अहमद जैदी मैं भी इनसे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ सीख लूँ।
लेकिन अब मेरा भी तकरीबन एंड चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इनके साथ बैठ कर कुछ सीखने का। ये जनाब पाकिस्तान से सूबेदार सज्जाद साहब जो हेड है वो आप तशरीफ लाए। सज्जाद साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से आप हमारी दावत पे आपने दावत कबूल कर लिया और यहाँ आने पे आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बताइए वहाँ का सर्दी के बारे में पाकिस्तान का। बस सर्दी तो अभी मौसम ऐसा है जी, इस साल वैसे पिछले सालों की तरह सर्दी तो नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत है, -13 तक पहुँचा हुआ था। अच्छा जी, वैसे इससे पहले पहले -32 तक भी गए। ओह, इस साल कम है, लेकिन बस फैमिली को थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हो सका। अच्छा, और एक तो बच्ची के घर आबाद में बच्ची हो गई है, इसी खुशी में हम लोग आए इधर। थैंक यू सो मच, मिले, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक दिन है आज। सही बात, थैंक यू सो मच। आपको भी दादा बंदे की मुबारक हो जी। शुक्रिया, हम दोनों आप भी नाना एक साथ बनाए, हम दोनों और दादा भी एक साथ बनाए। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये लो भाई, अब हमारा मटन कौरमा आखिर ये दम पे आ चुका है। हाँ, अब इसका आखिरी क्या मरहला रह गए हैं? कुछ भी नहीं, निकालो और खाओ। हाँ, निकालो और खाओ। ये अजगर साले साहब, ये हमजा शेख गिटारिस्ट, ये अपना सज्जाद भाई, सूबेदार मेजर सज्जाद भाई, नहीं समझो दम रख दे, ढक्कन बंद कर दे, इसका मकसद ये ही हो चुका है। थैंक यू। ये मेरा फातिमा का वालिद थे मोहतरम, ये मेरा नवासे हैं सारे, ये है नामवर नामी इग्रामी शेफ आमिर हुसैन, जो कुलाची में अच्छा मतलब कुकिंग से का लिहाज से बड़ा एक्सपर्ट एक्सपर्ट माना जाता है। हम द शेफ गेट इट इज। अब मैं जा रहा हूँ इधर, माशाल्लाह माशाल्लाह, खाए खाए जनाब, शाबाश शाबाश शाबाश, बिस्मिल्लाह रहमान। भाई जान मेरे दोस्त, सही तरह खाया आपने खाना? मजा आया, सारा जबरदस्त बनाया था यार, माशाल्लाह। मौला का नजर है बस, जिसने मेरा सारा मैं उसका हाथ काट दो। ये तो गलत हो जाएगा यार, तो आइंदा अभी मेरे एक बेटा और दो बेटियों का शादी बाकी, ऐसा कैसा ताजमहल बनाया था, उसका हाथ काट दिया। उनके लिए दुआ कर लिया जाए, उनके लिए दुआ कर ले, जितने सालन बने उनके लिए खास तौर पर दुआ, परवेदगार उनको हाथ में ऐसा ही जायका जारी रखे। ये हमारा स्टेडियम से आया हुआ मेहमान की रवानगी, खुदा इनको सेहत सलामती से, नहीं 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 करो, सेहत सलामती से अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे। पायलट है इसका आमिर भाई, सलाम अलैकुम आमिर भाई, क्यों चेहरा छुपा रहा है? कितने कितने पैसों में बुकिंग करके आया यार, ये बता तो सही। पता नहीं यार, पता नहीं। हाँ, आज तो आपका ईद लग गया, मैं इसी तरह तो छोटा मोटा इवेंट करते रहूँगा, बस आप अपना दिहाड़ी लगाते जाओ। चलो चलो चलो, हाँ बाय। बाकी सारेम 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 आयान आमिर भाई, बच्चे 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 हाय करो, बच्चे 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 सामने, बच्चे सिर्फ बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? नाम बताओ, नाम बताओ। आ जाओ ये बच्चे बच्चे आ जाओ, कैसी हो? हाय 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 हाय, ये पीछे भी बच्चे, पीछे भी ये बच्चे, नहीं बड़े हैं। चलो खुदा अब सबको अपने अमान में रखे, अपने मंजिल मकसूद पे पहुंचा दे। अभी हाँ अभी हाँ, अल्लाह हाफिज़, भाई को सलाम बोल देना, ठीक है? खुदा हाफिज़ तो करो, अल्लाह हाफिज़।
को अफजर पाए को मिस नहीं कर सकता। तमाम अहम ज़रूरियात, अहम काम, खाना, गोश्त काटने से लेकर फाइनली खिलाने पिलाने तक मेरे भाई के साथ है। आइंदा भी दुआ करता हूँ ऐसे हमारे साथ जाते रहे, चलते रहे, फिरते रहे मौला। अफजर भाई थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह उम्मीद बनने तक अल्लाह साहब दुआ कीजिएगा हमेशा हमें इसी तरह ईमान और खुशी के साथ आबाद रखें। ये है जनाब फाइनल नाना नंबर वन, बड़ा नाना और नानी, पर नानी और आधावन क्या कहलाएगा, छोटा नाना, छोटा नाना। ओ ये दिस इज फॉर मामू और खुदाया परवरदिगार अहमद हुसैन पुरकी की तरफ से ये दुआ है परवरदिगार हमेशा इसी तरह इन खुशियों से हमें अपने आमान नजर आमान रखे परवरदिगार, हर घर को इसी तरह खुशियाँ ही खुशियाँ नसीब करे परवरदिगार, कोई गम न दे सिवा गम मौलाए हुसैन का इंशाल्लाह। ये सब हमारे इवेंट पे तशरीफ लाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा अम्मा मैं अहमद हुसैन पुरकी, आप लोग इस मेरे वीडियो को एंड तक और फाइनल तक जाएं, देखें, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी के साथ अल्लाह नेकबान नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।